हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जय माता दी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज जो दिन है सोमवार है और अभी सुबह के बजे हुए हैं आठ और मैंने यहाँ पे नाश्ता बना लिया है तो नाश्ते में सत्तू के पराठे बने हैं और साथ ही साथ इधर मैंने रख दिया सब्जी पकने के लिए तो आज मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्जी मसाले वाली ही है लेकिन ग्रेवी वाली नहीं रहती है सूखी सब्जी रहती है और बीन्स आलू की सब्जी ना इसी तरह से मैं बनाती हूँ और काफ़ी खाने में अच्छा लगता है तो यहाँ पे बच्चों को मैंने उठा दिया है और तीनों बच्चे उठ के चले गए हैं गार्डन में और धूप बहुत ज़्यादा है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बोलूँ मतलब धूप चरम सीमा पर है तो बच्चे चले गए हैं वो लोग ब्रश वग़ैरह कर रहे हैं और मैंने इधर अपने रूम का जो भी बेड वगैरह है ये सब मैंने झाड़ करके अच्छे से सेट कर दिया है तो बच्चे वाले रूम को मैंने सबसे पहले सेट किया है और अब मैं आ गई थी अपने रूम में तो यहाँ बेड शीट को भी अच्छे से झाड़ करके इसको सेट कर दूंगी और ये कॉटन का बेड शीट है ना ये जब मैं फर्स्ट बार ही इसको बिछाई थी उसी टाइम इसका कलर चला गया था लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है और इस टाइम पर ना जो भी टेरीकॉट वग़ैरह के बेड शीट है ना जो मैं ठंडी में बिछाती हूँ वो सब मैं आजकल रख दी हूँ और यही बेडशीट थोड़ा सा मतलब तो सोने में ना बैठने में आरामदायक लगता है और देखिए तो को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये कॉटन की बेडशीट कलर इसका जाने के चलते थोड़ा सा कलर फेड हो गया है जिसके चलते अच्छा नहीं लगता है लेकिन कोई बात नहीं जो चीज़ आरामदायक रहे वही चीज़ पहनना चाहिए या बिछाना चाहिए तो उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह नहीं किया था और बासी घर जो होता है वो मैंने जैसे ही मैं उठी थी साढ़े छः बजे उसी टाइम मैं बासी घर निकाल दी थी और सुबह के जो मेरे अपने लिए रूटीन होते हैं वो सब मैंने कर लिए थे गर्म पानी वगैरह झाड़ू बाहर भी मैंने झाड़ू कर लिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है तो इसके चलते मैं वहाँ पहले ही झाड़ू कर देती हूँ जैसे वहाँ से सभी गाड़ियाँ निकलती हैं उसी टाइम पर मैं झाड़ू कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैं पूरे घर में इसलिए झाड़ू नहीं की थी कि फ़ैन वगैरह चल रहा था बच्चे सोए रहते हैं ना तो फ़ैन ऑफ करके ही झाड़ू करने पड़ते हैं वो लोग ना बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं फ़ैन बंद कर दी फैन बंद कर दी तो मैं सोचती हूँ कि जब ये लोग उठ जाएंगे उस टाइम पे मैं दोनों रूम में अच्छे से झाड़ू कर लूँ लूंग, लूँगी तो इसीलिए मैंने झाड़ू नहीं किया था उठते के साथ मैंने किचन और हॉल रूम में कर लिया था तो बासी घर मैं अक्सर करके सुबह में ही निकाल लेती हूँ तो दोनों रूम में मैंने झाड़ू कर ली अपने रूम में बच्चों के रूम में और किचन रूम में मैंने कर पहले ही लिए थे तो बस यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग मुझे करनी थी तो जैसे कि ड्रेसिंग टेबल को दो तीन दिन हो गए थे और इसको मैंने डीप क्लीन नहीं किया था तो सबसे पहले यहाँ के जितने भी सामान हैं वो सब मैं निकाल करके यहाँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दे रही हूँ और इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखा है तो फिर उसको भी कपड़े से अच्छे से झाड़ दूँगी और यहाँ पर मैं एक बाबू का दवा भी यहीं पे रखती हूँ जैसे मैं मतलब ये पेट दर्द का उल्टी का बुखार का ये सब दवा मैं इमरजेंसी के लिए रख लेती हूँ तो ये वही एक दवा था तो ऊंडेम करके उल्टी के लिए मैं दवा रखती हूँ तो मैं देख रही थी कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया है तो कभी कभी ऐसा होता है रखे रखे एक्सपायर भी हो जाता है या तो जब मैं दवा एक बार खोल के पिला देती हूँ तो फिर मैं उसको पंद्रह दिन के बाद यूज़ नहीं करती हूँ फेंक देती हूँ तो वही देख रही थी कौन सा दवा फेंकने लायक है तो उसको भी मैंने देखा कि वो उसका भी डेट जो है एक्सपायर हो चुका है तो उसको भी मैंने एक साइड में रख दिया है फेंक दूंगी और इधर जो है ड्रेसिंग जो भी यहाँ पे मतलब यूज करने वाला ही सामान है जैसे कि ये सनस्क्रीम है मॉइस्चराइजर है और क्रीम है लिपस्टिक है बिंदी है ये सब रहता है इसमें तो सभी को मैंने अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया था उसके बाद मैंने यहाँ देखा ना ड्रेसिंग टेबल पे कुछ मतलब दाग धब्बे जैसे दिख रहे थे तो ये कॉलिंग ख़त्म हो चुका था तो इसीलिए मैंने एक सबसे पहले तो सूखे कपड़े से ही ये फ्रिज वगैरह के जितने मतलब डस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डस्ट झाड़ने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ लिया है डस्ट को और ये जो फ्लावर पॉट है ना मतलब इस पर भी डस्ट बहुत अच्छे से जमे हुए हैं बिल्कुल मतलब ऊपर में तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है फ्लावर पे भी डस्ट थे लेकिन वो झाड़ने से नहीं जा रहे थे तो इसको मैं किसी और दिन साफ कर लूँगी और उसके बाद ये फ्रिज को भी ऐसे सूखे कपड़े से मैं मतलब झाड़ ले रही हूँ ये मेरा हर दिन का काम होता है चाहे मतलब तो हल्का कम करूँ ज़्यादा करूँ ये एक बार मैं झाड़ ही लेती हूँ ताकि मुझे जो है एक दिन भीड़ करके ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़े सफाई के लिए तो ये मेरा हर दिन का काम होता है मतलब हल्के हल्के ही करूँगी लेकिन मैं कर लेती हूँ तो बस इसी तरह से मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है और यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे भी हाथ मार लिया है इधर मेरी पीको मशीन है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया उसके बाद फिर यहाँ हॉल रूम में चेयर रखे हुए हैं मेरे यहाँ ये चेयर यूज़ नहीं किए जाते हैं ऐसे भी हॉल रूम में कोई नहीं बैठता है मैं ही मतलब मॉर्निंग में थोड़े बहुत कभी कभी बैठ जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ नहीं तो नहीं लेकिन यहाँ पे इसको रखे ही रखे ना इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है धूल जैसे और खसखस सा धूल और क्योंकि हवा वग़ैरह चलते हैं फिर तो इस पर क्या होता है ना डस्ट आ ही जाता है दरवाज़ा तो ऐसे भी बंद रहता है लेकिन वेंटिलेटर से डस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वो सब साफ़ कर लिया था मैंने उसके बाद कपड़े को अच्छे से गील गीला कर ली हूँ जैसे यही कपड़ा जिसे मैंने सब कुछ डस्ट डस्टिंग किया था ना उसी कपड़े को मैं इसको धो करके और भिगा करके यहाँ पे कूलर को भी अच्छे से रगड़ के साफ कर दे रही हूँ और तो इसके भी जो धूल वगैरह है ना तो वो मतलब साफ हो जाएंगे ऐसे भी कूलर को मैं साफ़ करते रहती हूँ और जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना उस टाइम पे तो मैं इसको ढक के ही रखती हूँ तो जितना मतलब जिस साइड खाली रहता है उसको साफ़ करती हूँ और उसको हटा के भी साफ़ कर लेती हैं लेकिन अभी कूलर यूज़ में आ रहा है तो इसको बार बार ही साफ़ करना पड़ता है तो इसको मैंने साफ़ किया तो फिर इसमें ना ज़्यादा ही डस्ट आ गया था कपड़े पे तो फिर जाकर दोबारा इसको अच्छे से मैं धोई हूँ धो करके और निचोड़ करके फिर दोबारा से कूलर को साफ़ किया है मैंने और कपड़े धो करके मैं बाहर डाल आई हूँ और उसके फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे उठ गए थे और मैं चाय पानी जो भी मतलब हम लोग का चाय पानी हुआ था वो सारे बर्तन थे और बच्चे अभी जो है नाश्ता नहीं किए थे क्योंकि आज मैं बनाई थी वही सत्तू के पराठे और बीन्स आलू की सब्जी बन चुकी थी और उसके बाद फिर मैं नहा धो कर के दाल चावल बनाऊँगी तो अभी गर्मी के चलते किसी को खाना खाने का मन भी नहीं होता है सुबह में कभी कभी ये लोग फ्रूट ही खा लेते हैं जैसे खरबूज वगैरह रहता है ना तो वो खा लेते हैं और नहीं तो ये लोग स्प्राउट खाना पसंद करते हैं बाबू तो आजकल ये क्या बोलता है सत्तू पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो हम लोग ऐसे ही आजकल करते हैं मॉर्निंग मतलब सुबह का नाश्ता में रोटी खाने का किसी को मन नहीं होता तो ये होता है ना कि हल्का हल्का सा नाश्ता रहे या तो फ्रूट रहे या तो सत्तू रहे स्प्राउट रहे वही सब तो उसके बाद यहाँ पे जो मैं सब्जी वगैरह बनाई थी बर्तन में मतलब खाली कर लेती हूँ तो सब कुछ जो भी बर्तन थे सारे बर्तन निकाल करके मैंने यहाँ अच्छे से साफ़ करके रख दिया है और अब मैं आ गई हूँ पोछा करने तो यहाँ बच्चे वाले रूम से ही पोछा कर रही हूँ और ये लोग गार्डन में ही अभी बैठे हुए थे ब्रश वगैरह करके ना बाबू थोड़ा सा खेलता है अपने में ही तीनों बच्चे खेलते हैं और जब मैं पोछा ऐसे भी करती हूँ ना तो बोलती हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो पोछा अच्छे से हो जाएगा नहीं तो ये लोग यहाँ रहते हैं तो आपस में आते जाते रहेंगे ना तो पोछा करिए तो उसके बाद कोई चलता है तो मुझे बहुत गु़स्सा आता है क्योंकि कि कितना भी साफ़ से रहो ना पैर के मतलब उस पर छाप पड़ जाते हैं दाग धबे पड़ जाते हैं तो सभी रूम में मैंने पोछा कर लिया था और अब मैं आ गई हूँ किचन काउंटर को क्लीन करने तो यहाँ सबसे पहले मैंने बीमार जो लिक्विड बीमार होता है उसी से साफ़ करती हूँ तो वो डाल करके और अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी यहाँ पे मैंने वही मैं लिक्विड विम बार से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है और इसी जगह ज़्यादा ही तेल मसाले के छीटे रहते हैं क्योंकि इसी साइड खाना बनता है ना तो सब्जी के छीटे वगैरह और तेल तेल जो होता है इसी साइड ज़्यादा होता है तो ये रोज़ का ही काम होता है हल्का सा मैं लिक्विड विम बार ले के उसी से ये गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ और इधर जो किचन के काउंटर है इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ तो इससे जो किचन है ना बहुत अच्छे से क्लीन होना हो जाता है और ये जो कपड़ा है ना बहुत सॉफ्ट सा है तो बिल्कुल भी इससे ना स्क्रेच इस वगैरह नहीं आता है तो बस यहाँ पे मैंने नहा धो के और यहाँ हो रही है मेरी पूजा और बस ऐसे ही मेरा जो है सुबह से लेकर दोपहर तक रूटीन रहता है गर्मियों में और किया ही क्या जाए और यही हम लोग का सभी हाउस वाइफ का एक ही काम है सुबह में उठना घर परिवार संभालते हुए अपने लिए टाइम निकालना खाना झाड़ू पोछा बर्तन यही होता है सुबह से चाहे कभी लेट करिए कभी लेट हो जाता है कभी जल्दी काम हो जाता है कभी ज़्यादा काम कभी कम बस यही होता है यहाँ पे मैंने देखिए नहा धो करके पूजा पाठ मेरा हो गया था तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सभी के लिए स्प्राउट क्योंकि सभी को खाना था स्प्राउट नाश्ता बन चुका था तभी भी कोई अभी पराठे वगैरह नहीं खाएगा और इधर मैंने साथ ही साथ इंडक्शन पर रख दिया है दाल पकने को क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर उनको दाल चावल सब्जी ही चाहिए होती है ये सभी लोग स्प्राउट खाएंगे और स्प्राउट मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था बहुत बड़ा बड़ा अंकुरित हो गया था तो बस तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा मिलूँगी